लेकिन अपने डिफेंस एकेडमी में कैसे बच्चों को रखते हैं आप? देखिए 3 किलोमीटर दौड़कर दूसरा स्थान पाना इतना आसान नहीं है भैया, क्योंकि कलेजा फट जाता है। बाबू आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर? भारतीय महिला बनना चाहते हैं। भारतीय महिला? किस फील्ड में जाना चाहती है? स्पोर्ट लेवल से। देखिए ये भाई अपने आप में कितना शक्ति बली है, क्योंकि इनका हिम्मत का दाग देना पड़ेगा, क्योंकि 5 किलो में दूसरा स्थान पाना इतना आसान नहीं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। आज टीवी समाचार आज ऐसे दिन रिपोर्टिंग कर रहा है जब आज के दिन ही 15 अगस्त के दिन ही पूरा देश आजाद हुआ था। आज मैं लगड़ा चौराहे पर हूँ और इस लगड़ा चौराहे पर एक कार्यक्रम हो रहा था इसी 15 अगस्त के दिन, और तमाम बच्चे भाग लिए थे। उसी भाग लेने वाले बच्चों से हम पूछेंगे कि क्या वो भविष्य में बनना चाहते हैं और बनकर क्या कुछ करना चाहते हैं इस देश के प्रति। तो सबसे पहले हमारे साथ ये सर हैं जिनका नाम अभिनव तिवारी है। सर आप बताइए कि क्या आप हैं? सर मैं आर्मी ट्रेनर रहा हूँ, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज लखनऊ। मैं 17 साल सेना में करके और अभी रिटायरमेंट लिया हूँ। देवरिया डिफेंस एकेडमी ओपन किया हूँ नागवार में। अब मैं वहाँ पे ऑल फोर्सेज आर्मी नेवी एयरफोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेज के नौजवानों और बालिकाओं को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फिजिकल मेडिकल एंड रिटर्न सहित। सर ये बताइए कि गरीब के बच्चे अगर करना चाहे आपके डिफेंस एकेडमी में तो कैसे क्या है, क्योंकि आजकल गरीब के बच्चे जो हैं कभी कभी ऐसा होता है हुनर रहता है लेकिन फेल हो जाते हैं, लेकिन अपने डिफेंस एकेडमी में कैसे बच्चों को रखते हैं आप? आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए गरीब से गरीब नौजवानों के लिए मेरा जीवन समर्पित है, इसीलिए मैंने सारी व्यवस्था किया है, एज ए टीचर की व्यवस्था किया है, बीच बीच में जो है डॉक्टर्स बुला करके मेडिकल कराना भी मेरा उत्तरदायित्व है, इसीलिए मैंने मिनिमम 1000 रुपया पर मंथ रखा है। लेकिन अगर कोई नौजवान बहुत गरीब है लेकिन उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर काबिलियत है, उसके अंदर 1600 मीटर 5 किलोमीटर मारने की क्षमता है, दिखाने की क्षमता है, तो मैं उसको निःशुल्क शिक्षा दूंगा। जी ठीक है, बहुत बढ़िया आपका बात लगा हमें। और भी तमाम यहाँ देखे होंगे कि यहाँ लड़के जो दौड़ किए हैं उनसे बात करेंगे। ये देखिए इनाम लिए हैं भैया, आप बताइए कि क्या आज यहाँ पे दौड़े हैं आप? यस। एक बात बताइए कि आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? आगे चलकर मैं देश की सेवा करने। किसके प्रति क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। आर्मी बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि आर्मी हमारे देश का वो अंग है जो शायद इस दुनिया इस देश में उससे बड़ा कोई अंग नहीं है। तो आज हमारे साथ ये भी है भैया, आप इनाम लिए हैं, आज कितने नंबर पर रहे आप? तीसरे स्थान 1600 मीटर। 1600 मीटर तीसरे स्थान पे भैया रहे। एक बात बताइए भैया कि आप क्या बनना चाहते हैं आगे चलकर? हम आगे जाकर देश के लिए सेवा करना चाहते हैं। देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? हम आर्मी बनना चाहते हैं। आर्मी बनना चाहते हैं। और भी इधर कैमरा मैन थोड़ा लाइए कि और भी लोगों से पूछेंगे। भैया एक बात बताइए कि आप कितने नंबर पर है? मैं 3 किलोमीटर में दौड़ा, दूसरा स्थान आया है। दूसरा स्थान? देखिए 3 किलोमीटर दौड़कर दूसरा स्थान पाना इतना आसान नहीं है भैया, क्योंकि कलेजा फट जाता है, और ऐसे जब सेना में जाने के लिए हिम्मत हो, ताकत हो, जुनून हो, तो कोई भी 3 किलो नहीं 5 किलो दौड़ लेगा। भैया आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, आगे चल के स्पोर्ट्स में शामिल होता है। स्पोर्ट, इंडियन आर्मी स्पोर्ट में जाना चाहते हैं। और हाँ सर बताएं, 1600 मीटर भी ये भागे हैं, चौथा स्थान रहा है, और देवरिया डिफेंस अकेडमी का 4 जो प्रतियोगिता हुई इसमें 4 नौजवान मेरे अव्वल, 2 तो यही लिए, फिर एक एक तीनों दवाइयाँ। और बहुत बहुत बधाई आपको, आपके डिफेंस एकेडमी को और आपके बच्चों को। और हम चाहेंगे कि बच्चे यहाँ जो अन्य बच्चे हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे, ये बच्चियाँ हैं। बच्ची बाबू आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर? भारतीय महिला बनना चाहते हैं। भारतीय महिला? किस फील्ड में जाना चाहती हैं? स्पोर्ट लेवल से। स्पोर्ट लेवल से। आज ये इनाम कैसे आपको मिला है? 1600 में भागे हैं तो स्थान। 1600 में भागे हैं, कितने नंबर पर थी? चौथा। देखिए हमारे देश के गौरवान्वित करने वाली ऐसी बच्चियां जब शामिल हो जाएं देश की रक्षा करने के लिए तो बड़ा गर्व होता है, और मुझे भी गर्व हो रहा है क्योंकि ऐसी बच्चियां इस फील्ड में आती हैं तो कहीं ना कहीं सबको गर्व होगा। और भी जानेंगे कुछ बच्चों से जो शायद भाई साहब हैं हमारे। भाई ये बात बताइए कि आप क्या किए हैं यहाँ पे? 5 किलोमीटर में दूसरा स्थान था और 3 किलोमीटर में तीसरा स्थान था। 5 किलोमीटर में दूसरा स्थान, 3 किलोमीटर में तीसरा स्थान। देखिए ये भाई अपने आप में कितना शक्ति बली है, क्योंकि इनका हिम्मत का दाग देना पड़ेगा, क्योंकि 5 किलो में दूसरा स्थान पाना इतना आसान नहीं है। तो भाई आप आगे चलकर क्या कुछ बनना चाहते हैं? मैं आर्मी में जाकर देश के लिए गेम खेलेंगे। कैसा गेम?
वही बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग गेम हमारे साथ, चलिए ये तो आर्मी में जाकर बॉक्सिंग गेम खेलना चाहते हैं। हमारे साथ एक बड़े नेता कहे जाने वाले, अब बड़े या छोटे नहीं, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर आप बताइए कि आज का दिन, देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज के दिन पर क्या कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी देशवासी, प्रदेशवासी एवं यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को हार्दिक बधाई, शुभकामना, छोटों को आशीर्वाद देना चाहेंगे। और आज इस हर्षोल्लास के त्यौहार पर सबको मिलजुल कर आपस में प्रेम सौहार्द रख कर देश के तरक्की में सबको योगदान देने का अपील और आग्रह करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि पूरे देशवासियों को आप इस 15 अगस्त के दिन, जो सारी दुनिया की खुशी 15 अगस्त में, पूरे देश की खुशी 15 अगस्त में होती है, हमारे झंडे में होती है, और यही झंडा लहराने के लिए हम लोग कितने जाने कुर्बान हो गए, इस देश के सैनिक, इस देश के नेता, और आज के दिन आज़ादी हमें मिली। और आज बस इतना ही, अलविदा लेते हैं आपसे, तब तक के लिए देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।